कोरोना संक्रमित अमिताभ बच्चन बीते 20 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं, वहां अपना इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती अमिताभ अपने फैंस का पूरा ख्याल रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आए दिन ब्लॉग लिख रहे हैं, जिंदगी के महत्व अपने प्रशंसकों को समझा रहे हैं, अपनी हेल्थ से जुड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जहां एक बार हर किसी की दुआओं में फिर से जुड़ चुके हैं, दुनिया के कोने कोने से बिग बी के जल्द से जल्द ठीक हो जाने की दुआ हो रही है, ऐसे में एक फैन ने बिग बी को लेकर एक बेहद खराब बात कही। इस ट्रॉलर ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी को लेकर काफी आपत्तिजनक बात कही, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में हम बिग बी का सम्मान दिखाते हुए कतई नहीं करना चाहेंगे। बिग बी जो हमेशा ट्रॉलिंग को इग्नोर करते हैं, ट्रॉलर के इस तंज पर चुप नहीं रह पाए। अपने ब्लॉग में उन्होंने ट्रॉलर्स को नसीहत देते हुए कहा, ठोकना तो निश्चित है। वो सांप वाली कहानी तो याद होगी, एक सपेरे का पालतू सांप मालिक की सुरक्षा के लिए वहीं पास में बैठा रहता था। जो भी उधर से गुजरे सांप उसे काट लेता था। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा, यह तो बहुत खतरनाक मामला है, सपेरे को यहाँ से हटा देना चाहिए। जब सपेरे ने यह सुना तो उसको लगा कि अगर यहाँ से हटा दिया तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। उसने सांप को बुलाया और कहा, चुपचाप बैठे रहना, काटना मत किसी को, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। सांप ने यही मालिक की बात की और चुपचाप बैठा रहा। अब जो भी वहां से गुजरे ये देख करके कि सांप कुछ नहीं कर रहा, उसे डंडे से मारने लगे। सांप जान बचाने के लिए वहां भागा और पहुंच गया अपने मालिक के पास। मालिक ने अपने सांप की दुर्दशा देखी और बहुत नाराज हुआ। सपेरे ने पूछा, क्यों मार खाई तूने? उसने सांप को फटकारा। सांप ने उत्तर दिया, मालिक आपने ही तो कहा था चुपचाप बैठे रहो, काटो मत, सो मैं चुपचाप बैठा रहा और क्योंकि आपने काटने से मना किया मार खाता रहा और अब मेरा ये हाल उन लोगों ने कर दिया। बिग बी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, मालिक ने सांप को दो झापड़ मारे और डांटते हुए कहा, अबे साले, काटने से मना किया था, फुफकारने से थोड़ी ना, समझना समझने वाले समझ गए होंगे। और वो जिन्हें हिंदी चुनौती की तरह लगती है, उनके लिए कृपया हमारे विस्तारित परिवार के हिंदी विशेषज्ञ इसका अनुवाद करें या कहानी को उनके अर्थ और उनके कारण समेत इसे बताने का कारण स्पष्ट कर दें। आपको बता दें, बिग बी अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट करते हुए लिखते हैं, एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक बुझा सकता है, पर अगर बत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरी जिंदगी आनंदित रहता है और जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। आपको बता दें, 20 दिन हो चुके हैं अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती अपना इलाज करवाते हुए, लेकिन अब तक उनकी हालत सुधरने की कोई खास संकेत सामने नहीं आए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।